तो हेयर ऑयलिंग सदियों से चले आ रहे एक हमारे मान लो जैसे एक रूल ही है। जैसे बचपन में मम्मी भी हमारे इतने अच्छे से ऑयलिंग करती थी और बाल को टाइट बांधती थी, तो हमें उस वक्त बुरा लगता था कि क्यों ऐसे हो करती है। बट अभी समझ में आता है कि ऑयलिंग एक्चुअली क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, और हमें एक हेल्दी हेयर लंबे बालों के लिए ऑयलिंग करना मस्ट है। आप कुछ भी करो बट ऑयलिंग ज़रूर करो। तो मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है, उस बोल में मैंने कोकोनट का ऑयल, पैरासिट कोकोनट ऑयल है, तो मैंने यहाँ पे ऑयल लिया। आपको जितने रिक्वायर्ड है अपने हेयर के मुताबिक तो आप उतने ऑयल लो। तो मैंने ऑयल को थोड़ा माइक्रोवेव में लाइक ओनली फॉर 30-60 सेकेंड मैंने गरम कर लिया। गरम करने के बाद मेरे पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है था, तो मैंने यहाँ पे जो जेल होते नॉर्मल मैंने वो डाला। उसके बाद इसमें मैंने विटामिन ई, जो एक कैप्सूल आते हैं इवोन का, मैंने वो डाला। ये सब मैंने इसलिए डाला ताकि हेयर, अगर आपके डैंड्रफ है, मेरा डैंड्रफ नहीं था बट फिर भी हेयर मेरे बहुत ड्राई थे, तो मैंने इसलिए ये कैप्सूल को मिक्स किया। और हेयर फॉल के लिए, न्यू ग्रोथ के लिए ये बेस्ट है, तो मैं हमेशा ऐसा ऑयलिंग करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कॉटन लिया है क्योंकि हाथ से सही से लगा नहीं सकते, और इसे अच्छे से मिक्स करने, क्योंकि इसमें एलोवेरा जो जेल है वो पूरे अच्छे से मिक्स होने तो चाहिए, मैंने तो यहाँ पे अच्छे आपका से जो मिक्स कर लिया। प्रॉपर आप उसके जिस बाद ये ऑयल लगा सेक्शन रहे वाइज हो वो आपको वर्क अच्छे करेगा। से स्कैल्प पे ऑयल लगाने हैं, और कॉटन से लगाओगे तो बहुत इजी होता है और अच्छे से स्कैल्प तक ऑयल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेक्शन वाइज जैसे आपको पॉसिबल हो बस किसी भी तरीके से। तो आप अगर ऑयलिंग भी कर रहे हो तो वो अच्छे तरीके से करो, ऐसे नहीं जैसे तैसे लगा लिया तो वो वर्क नहीं करेंगे। आपको हेल्दी हेयर, हेयर फॉल स्टॉप के लिए एंड सॉफ्ट हेयर के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो अच्छे तरीके से होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से ऑयलिंग कर लिया। तो ये एक्चुअली क्या है ना कि एटलीस्ट आप हाफ एन आवर अपने पास लेके इसे अच्छे से ऑयलिंग करो। ये एक्चुअली मेरा थोड़ा हेयर फॉल हो रहा है, मैं काफ़ी दिनों तक ऑयलिंग नहीं की, तो मैं अभी ये 1 मंथ 2 मंथ ऐसा हुआ मैं स्टार्ट की हूँ फिर से ऑयलिंग करना, क्योंकि मुझे थोड़ा थायराइड का इशू था तो उसकी वजह से मुझे हेयर फॉल हो रहे थे। ऐसे यूजुअली मुझे हेयर फॉल नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, लाइक जितना रिक्वायर्ड होता है इन अ डे 100 पीस आपके हेयर फॉल होने चाहिए। तो वो क्या होते हैं, जो कमज़ोर बाल होते हैं वो निकल जाते हैं और स्ट्रांग बाल आपके ग्रोथ होते हैं। तो मुझे थायराइड का इशू है, इसकी वजह से मुझे हेयर फॉल हो रहा था। तो मैं और भी कुछ भी खा के या लाइक कोई मेडिसिन लेके मैं कुछ रिस्क नहीं लेना चाहती थी मेरा हेयर को, तो मेरा बेस्ट मेरे लिए ऑयलिंग है, तो मैं ऑयलिंग करना बेस्ट थिंग समझती हूँ। उससे मेरा हेयर फॉल भी रुक गया और सही है। तो मैंने अच्छे सॉफ्टली मैंने मसाज किया, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हार्ड मसाज नहीं करना है, और जो बचे हुए ऑयल थे मैंने लेंथ पे लगाए। लेंथ पे भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाल ड्राई होते हैं, तो फिर बाल इसलिए ड्राई होते हैं क्योंकि मैंने हेयर पे ट्रीटमेंट भी किया हुआ है, तो उसकी वजह से बाल थोड़ा ड्राई होते हैं, और पानी का भी इश्यूज है थोड़ा। तो ये सब चीज़ होते हैं, काफ़ी चीज़ मिला के सब होते हैं, बट स्टिल यू हैव टू केयर वेरी नाइसली, तो हेयर सही रहेंगे। बस मेरे फ्रंट पे हल्का थोड़ा फॉल हो गया है बट उसका मैं केयर कर रही हूँ। ये सबको मालूम है बट बस मैं थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ कि थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी करने से जिनको हेयर के प्रॉब्लम है वो सही हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे ऑयलिंग कर लिया। ऑयलिंग करने के बाद मैं कोम कर ले रही थी, क्योंकि कोम कर ले के उसके बाद आप बाल को अच्छे से बांध देते हो, तो वो क्या है ना कि जब आप सोते हैं तो आप इजीली सो सकते हो, इधर उधर बाल होते नहीं हैं। फिर ऑयलिंग किया है तो वो क्या है ना, पिलो ख़राब हो जाते हैं ऑयल लग के, फिर वो चेंज करना है तो उतने वक्त नहीं है, तो इसलिए मैंने अच्छा से बाल को कोम कर लिया, और जो भी बाल थोड़ा गिरा मेरा हेयर फॉल हुआ थोड़ा, तो मैंने उसको अच्छे से कोम करके फिर मैंने बाल अच्छे से चोटी बनाए।